बॉलीवुड का शोबिज मीडिया दुनिया का ताकतवर तरीन और बासर मीडिया रहा है, जिसके सामने दिलीप कुमार जैसे बड़े खान भी खड़े नहीं हो सकते थे। दिलीप कुमार ने जब छुपकर दूसरी शादी कर दी तो उसको छुपाते हुए उन्होंने सायरा बानो के सामने कुरान मजीद पर हाथ रखकर भी कसम खाई और कहा कि अखबारात में शाया होने वाली सारी खबरें गलत हैं। दिलीप कुमार ने दूसरी शादी को छुपाने के लिए मीडिया को बहुत ज्यादा चकमे दिए और तरदीदी बयान भी जारी किए, मगर एक बार वो इंतहाई सख्त जान सहाफी के हत्थे चढ़ गए। आज की इनकलाबी वीडियो में आपको ये बातें खास तौर पर बताऊंगा कि ताकतवर शोबिज मीडिया दरअसल कैसे फरोग पाता है, और उसका सबूत आज की इस वीडियो में नजर भी आएगा कि देखें इंडिया के इस सहाफी ने दिलीप कुमार का कैसे पोस्टमार्टम कर दिया था। यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या कोई पाकिस्तानी शोबिज मीडिया पर्सन इतनी जुर्रत और बेबाकी के साथ फनकारों के हकायक बेनकाब कर सकता है। अगर पाकिस्तानी शोबिज मीडिया पर्सन मौजूदा डिजिटल मीडिया के दौर की असरअंगेजी को समझ कर आज भी अपनी तहकीक काबिलियत और जुर्रत पर कारबंद हो जाए तो पाकिस्तान में शोबिज की मदद से बहुत बड़ा इनकलाब लाया जा सकता है। ऐसा इनकलाब जो फिल्म और टीवी को मुल्क में शऊर और तहजीब की तरक्की का जामन बना सकता है। बात हो रही थी दिलीप कुमार की दूसरी शादी को छुपाने और मीडिया पर्सन के हत्थे चढ़ जाने की। नाज़रीन, जब एक अखबारी नुमाइंदे ने दिलीप कुमार से उनके और उनकी दूसरी बीवी के खुफिया तलकात के बारे में सवाल किया तो हिंदुस्तानी फिल्मों का देवता बरहम हो गया और बहुत देर तक अपनी ही जुबान से अपनी शान में एक तबील कसीदा पढ़ता रहा। आप भी वो अल्फाज सुनिए जिनके जरिए देवता ने अपनी गलत किरदारी की अक्कासी और तर्जमानी की थी। अखबार ने लिखा, मैंने इस मुआशरे में अपने लिए एक बाइज्जत बावकार और आला मुकाम पैदा किया और जिंदगी के किसी मोड़ पर खुद को इस मुकाम से जरा कभी नीचे नहीं गिरने दिया। अपने तर्ज मुआशरत और कॉल ऑफ फेल को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखा। मैं हर वक्त अपने आप पर कड़ी नजर रखता हूँ। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मुझसे कोई मायूब बात सरजत ना हो, कोई कोताही और किसी किस्म की लफ्जश ना हो। मैं हमेशा गैर संजीदा और इखलाक से गिरे हुए बर्ताव से दूर ही रहा हूँ। दुनिया में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि दिलीप कुमार ने कभी कोई पस्त हरकत की हो। अपनी जनाब में यह कसीदा खानी करने के बाद दिलीप कुमार ने बात को आगे बढ़ाया, मैं अस्मा को एक अरसे से जानता हूँ। मेरे सच्चे मदाहों के हलके में बेशुमार लोग शामिल हैं। मैं इसे अल्लाह का करम ही कहूंगा क्योंकि इसमें मेरी इस्तेदाद को कोई दखल नहीं है। अस्मा भी मेरी अनगिनत मदाहों में से एक है। वो बहुत ही उम्दा नफीस खातून है। मैं इस 8-9 साल शनासाई या दोस्ती के अरसे में उनसे ही बमुश्किल 8 या 9 बार ही मिला हूँगा। कभी उनसे बम्बई में मिला, कभी दिल्ली में मुलाकात हुई, कभी कहीं और। ये सारी मुलाकातें अचानक या इत्तफाकिया ही होती थी। कभी उनसे मिलने के लिए किसी जगह या मुकाम का तय्यन पहले से नहीं किया गया। एक बार जब मैं हैदराबाद गया था और मेरा क्या मैं एक होटल में था तो उनके गैर संजीदा अहबाब ने बड़ी गैर जुम्मेदाराना हरकत की। शायद वो लोग अपने इस फेल को एक मजाक समझ रहे होंगे। बहरहाल उन्होंने मुझे और अस्मा को चलाकी से होटल के कमरे में बंद कर दिया, फिर हम दोनों बाहर ना निकल सके। इस पर सहाफी ने सवाल किया, मगर वो आपके कमरे में पहुँचे कैसे? दिलीप कुमार ने अपने मखसूस फलसफियाना अंदाज में सहाफी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो मेरे कमरे में हर कोई आ जाता है। कोई भी आ सकता है क्योंकि ऐसे मौके पर मेरा कमरा एक पब्लिक प्लेस बन जाता है। कोई किसी का दोस्त और रिश्तेदार बनकर मिलता है तो कोई किसी का खत लेकर मुलाकात के लिए आ जाता है। वो मेरे अहले खाना को जानती थी, मेरी बहनों से उनकी दोस्ती थी, इसलिए वो मुझसे होटल में मिलने आई थी। फिर मेरे और उनके साथ वो मजाक हुआ जिसे मैं इंतहाई गैर जुम्मेदाराना और हद से गिरा हुआ मजाक कहूँगा। इस मजाक ने हम दोनों को एक दूसरे के करीब आने पर मजबूर कर दिया और फिर हमसे वो फेल सरजद हो गया जो नहीं होना चाहिए था। देवता ने कुछ देर पहले ये दावा किया था कि उसने कभी कोई गिरी हुई हरकत नहीं की। अखबारी नुमाइंदे से बात करते हुए देवता का हाफजा गायब हो गया कि उसे चंद मिनट पहले कही गई अपनी बात ही याद नहीं रही थी, या वो खुद अपने अल्फाज का मफहूम समझने से कासर था, या फिर उसके नजदीक ये फेल कोई हरकतों में शुमार ही नहीं होता था। सहाफी ने सवाल किया, आप ये भी तो कर सकते थे कि होटल मैनेजर को फोन करके कमरे की दूसरी चाबी मंगा लेते, फिर दरवाजा खुल जाता और अस्मा के गैर मुहज़्ज़ब दोस्तों का ये संगीन मजाक अपने खौफनाक और तबाहकुन अंजाम तक पहुँचने से पहले ही खत्म हो जाता। ये सवाल सुनकर देवता खामोश बैठा रहा। बोलता भी किस तरह कि वो इस सवाल का जवाब दे ही नहीं सकता था। अखबारी नुमाइंदा देवता की इस मजबूरी को अच्छी तरह समझता था, इसलिए बड़ी होशियारी से आगे बढ़ गया। ये संगीन मजाक तो अपनी जगह, मगर ये नौबत किस तरह आई कि आप अस्मा से शादी करने पर मजबूर हो गए? दिलीप कुमार ने सूरत हाल की वजाहत करते हुए कहा, उस वक्त अस्मा शादीशुदा थी। अस्मा ने पूरी सच्चाई के साथ सारे वाकयात अपने शोहर के सामने रख दिए। नतीजतन उनके शोहर सादक महीउद्दीन ने उन्हें तलाक के कागजात दे दिए और फिर अस्मा ने इन कागजात पर दस्तखत करके तलाक हासिल कर ली। इस अजियतनाक वाक्य के बाद अचानक मुझे पता चला कि बेचारी अस्मा पर दुनिया तंग हो गई है। जब मेरे इल्म में ये बात आई कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यक बयक उनसे क्या कुछ छीन गया है तो मुझे अपनी जिम्मेदारी का शदीद एहसास हुआ। मैंने अस्मा को हर मुमकिन मदद करने की पेशकश कर दी। वो कतई बेसहारा, बेदस्तोपा और तही दामन हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपने भाइयों से जो बहरीन में रहते थे मदद के लिए नहीं कहा, अजीज रिश्तेदारों से कुछ नहीं मांगा। मैंने भी हर तरीके से उनकी मदद करना चाही, मगर उन्होंने इस तावन को कबूल करने से इनकार कर दिया। वो शदीद मसाइल से दोचार थी और अपने इस बेपनाह कर्ब को खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। सहाफी ने फिर सवाल उठा दिया, आखिर आप किस किस्म की मदद करना चाहते थे? ऐसी मदद जिसके जरिए आप एक मौजूद खातून का
का ख्याल रख सकते हैं। दिलीप कुमार ने अपने जज्बाए तावन की तशरीह करते हुए कहा, जैसे अगर आपके पास रहने को मकान ना हो तो इसको मकान फराहम कर दिया जाए, गर्ज जिस तरह मुमकिन हो उसकी जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखा जाए। जनाब, इस गहरी हमदर्दी के पीछे आपका कौन सा जज्बा कार फरमा था? जज्बा ये था कि आम हालात में एक आम आदमी इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता। दिलीप कुमार ने इंतहाई पुरजोर लहजे में और अपने मखसूस जज्बे की वजाहत करते हुए कहा था, अपने कांधों को झटका देकर उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ इससे मेरा क्या ताल्लुक है, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हालांकि वो चंद लम्हों की बात थी और हम दोनों ने उसे भूल जाने का फैसला कर लिया, लेकिन मैं खुद को एक जिम्मेदार फर्ज समझता हूँ। यही वजह थी कि मैंने वो जिम्मेदारी अपने सर ले ली और उसे पूरे करना अपना फर्ज समझ लिया, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। फिर आपने इस शादी को खुफिया क्यों रखा? सहाफी के सवाल पर दिलीप कुमार ने कहा, शादी से पहले हमने ये तय किया था कि वो अपने किसी भाई अजीज या अपने सबका शोहर के रिश्तेदारों को ये बात नहीं बताएंगी, किसी को भी नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हम इस राज में किसी को शरीक नहीं करेंगे। अस्मा खुद भी अपने गिर्द कोई हलचल नहीं चाहती थी और मैं भी अपने घर में अपने घरेलू जिंदगी में किसी किस्म की बेतमनानी नहीं चाहता था। अगर ये राज फाश हो जाता तो मेरे घरेलू सुकून की गारत गरी के साथ साथ मेरी समाजी हलके में भी तवाजन बिगड़ जाता। ये बिल्कुल जाती और निजी मामला था जिसकी राजदारी का खुदा मुझे हक देता है और मुआशरा भी इजाजत देता है। मैंने इस अहद को तौर निभाया है। यहाँ तक इस शादी के सिलसिले में तमाम अखबारात और रसायल के लिए तरदीदी बयान भी जारी किया। मैंने मुश्किल तरीन हालात में भी अहद शुक्री नहीं की। राजदारी का जो मुआहदा हमारे दरमियान हुआ था उसे मैंने किसी भी हाल में नहीं तोड़ा और मैं जब इस मुआहदे से आजाद हो जाऊंगा तब भी मैं पूरी नहायत सच्चाई के साथ सबके सामने रख दूंगा और उसके बाद जो नतीजे बरामद होंगे उनका सामना करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। जनाब, जब शुरू में शादी की ये अफवाहें गर्म हुई थी और सायरा बानो के बकौल आपने कुरान मजीद पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि आपने दूसरी शादी नहीं की, सहाफी ने दिलीप कुमार से एक और नाजुक सवाल कर दिया था, क्या आपने ऐसी कोई कसम खाई थी? हाँ, मैंने अल्लाह की आखिरी किताब पर हाथ रखकर यह कसम खाई थी कि मैं सायरा बानो के हकूक की पूरी हिफाजत करूंगा, मगर मैंने दूसरी शादी के सिलसिले में कोई कसम नहीं खाई थी। जनाब, आपने शादी को इसलिए पोशीदा तो नहीं रखा कि आपको राजिया सभा के लिए नामजद किए जाने का इंतजार था? अखबारी नुमाइंदे ने दिलीप कुमार से सवाल किया, अगर ये राज हुकूमत के सियासी फैसले से कबल फाश हो जाता तो इन हंगामा आरइयों का आपके इमेज पर यकीनन बुरा असर पड़ता और आप सियासत से आउट हो जाते, जबकि आप सियासत करना चाहते थे। इस पर दिलीप कुमार ने नहायत मतानत के साथ जवाब दिया, मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूँ कि मैं अपने आप को इस ओहदे का अहल नहीं समझता, इसलिए मुझे इस आजाद की ख्वाहिश भी नहीं थी। मैं सियासत में आना ही नहीं चाहता था। इस सीट के लिए तो कुछ और लोग नामजद हो चुके थे, लिहाजा ये बहस ही बेकार है कि मैंने इस वाक्य को इसलिए छुपाने की कोशिश की कि इससे मेरी सियासत पर कोई असरअंदाज होगा। मैंने इसलिए छुपाना चाहा कि इससे सायरा के साथ मेरी घरेलू जिंदगी मुतासर होने का खदशा था।